नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीएन आरएसटी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संवाद कुंज के प्रतिनिधि को सीधा सवाल पूछते हुए बोले कि जो स्टेटमेंट आपने 5 लाख का अपने पेपर में छापा है, वह आप पूरी तरह से स्पष्ट करें। कहां, किसने, किसको, किस संपर्क सूत्र के सामने यह धनराशि दी गई है, आप सच पूरा मीडिया के सामने स्पष्ट करें, अन्यथा आपको संवाद कुंज को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। भारी जनता के सामने महाराज जी के तेवर 7वें आसमान पर रहे, जिस पर महाराज जी ने कहा, यदि आप सब मिलकर एक सुर होकर हमारे खिलाफ बेतुका बयान छापेंगे तो हम सबको नोटिस जारी करेंगे। पेशे एक रिपोर्ट। करता तो गड़बड़ी, तो बेचारा चुप होकर के बैठा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है बार बार, और आपके एक अखबार ने, वो कौन सा अखबार है? ये संवाद कुंज कहाँ है इसके प्रतिनिधि? ये संवाद कुंज अखबार है, इसमें अखबार में समाचार छपा है कि 5 लाख रुपया मुन्मुन सेन ने हमको दिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस पत्रकार वार्ता में कि ये सूचना कहां से आपको प्राप्त हुई, 5 लाख रुपया वो कहां से ले गया और कहां दिया और किसने दिया और किसने देते हुए देखा? नहीं नहीं, हमें हम पूरी कहानी नहीं जानना चाहते। 5 लाख रुपया देते हुए आपके किस संवाद सूत्र ने देखा है, वो हमको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात, आपने एक फिगर लिख करके लिख दिया और बाद में इन्वर्टेड कामा में तृप्ति शब्द लिखा है कि तृप्ति हो गई और इन्वर्टेड कामा। व्यंग्य क्या है? व्यंग्य सीधा सीधा सा यही है कि आप कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने पैसा लेकर के चुप्पी साध ली, तो आप हमको इसको सिद्ध करके दिखाइए, नहीं तो आपका अखबार बंद होगा। ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप किसी के साथ। 5 लाख रुपया लेकर के 5 लाख का एक फिगर बता रहे हैं और तृप्ति शब्द लिख रहे हैं, तो आप हमको बताइए, स्पष्ट करिए कि 5 लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहां दिया, कब दिया और किस शक्ल में दिया। खड़े होके बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े होके बताइए हमको, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल आपके कार्यक्रम में जब मैं उपस्थित था, जी आपकी पूरी सभा सुनी, ठीक है, तो आज यहाँ के पूरे लोगों ने सवाल पूछा, ठीक है, कि ये जो सवाल पूछा कि भाई मुन्मुन राय जी जो हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया, कैसे दिया, वो 4 प्रश्न का जवाब बताओ और कुछ मत बताओ हमें। हमें आप बताइए किसने आपको ये खबर दी है, उसका नाम सार्वजनिक करो। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां पर दिया, किसको दिया और कब दिया, ये 4 प्रश्न है, इनका जवाब देना पड़ेगा आपको। आप पत्रकार होकर के अखबार छाप करके ऐसे नहीं छाप सकते हैं किसी के खिलाफ। हम चिल्ला रहे हैं, हो जाएंगे तृप्त हो जाएंगे, बहुत गलती बात है, आपने बहुत अक्षम्य अपराध किया है, चिल्लाने की बात है और हम चिल्ला रहे हैं, आपने मर्यादाओं का हनन किया है, ये नहीं हो सकता है। आप गुस्सा करिए, हाँ करिए, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, इसे जवाब चाहते हैं, ये इस अखबार के हैं, इसे जवाब चाहते हैं, हमको भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, अगर आप कुछ छापते हो रुक जाइए, आप कोई पत्रकार बोलेगा तो हम उसको उसके साथ समझेंगे। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब कि सारे पत्रकार हमारे ऊपर 5 लाख, ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि 5 लाख रुपया लेकर के आप तृप्त हो गए और हमने हमने अपना वक्तव्य बदल दिया। आप लोग इस तरह से मजाक बनाओगे किसी शंकराचार्य का? ये शिव नहीं है भाई, गलत है, आप सिद्ध करो, आपने छापा है, आपका दायित्व तो बनता है कि आप इसको सिद्ध करिए कि 5 लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहां दिया, कब दिया, आप ये 4 प्रश्नों का जवाब दीजिए, 4 प्रश्नों का जवाब ये जो अखबार है संवाद कुंज, इसको देना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये पत्रकार की बात है, भाई पत्रकार बिरादरी है तो आप सब साथ में हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जाइए, सब लोग जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत छापो,
गलत छापोगे तो आपको भी हम सवाल के घेरे में खड़ा करेंगे। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, ये सब उठा लो। हमको कोई आपसे फेवर नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे लिए गलत लिख दो और आप उसमें सवाल भी ना उठाए, जवाब भी ना करें, ये नहीं हो सकता है। अरे ठीक है, नाराज हो जाओगे ना, जो सच है वो सच है। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें। और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए, आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया, पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है, आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन और बिना जाने हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं, तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली, क्या बात करते हो आप। केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने छापा कैसे, इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है, और अगर ऐसी बिरादरी हो हमारा पत्रकार हो, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप, और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया, बताओ ना। ये बहुत गलत बात है भैया। पत्रकार बंधु, आपका आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापे, आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते, आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो। और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। इसलिए पत्रकार होने का पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं आईने की तरह रहूंगा, जो सच होगा वो दिखा दूंगा, उसका उसमें भी विचार करूंगा कि समाज में कोई विक्षोभ ना उत्पन्न हो जाए, उतना विचार करते हुए मैं सच को दिखाऊंगा। ये आपका कर्तव्य है, तो आपको अपने कर्तव्य पर रहना होगा, तभी आपकी आपका सम्मान कोई भी कर सकेगा, हम भी कर सकेंगे। और अगर इस तरह की लाइन कोई छापेगा और अगर हम उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं बहिष्कार करता हूं, और कोई अगर खड़ा होकर के कहेगा कि मैं पत्रकार बिरादरी का हूं, तो भैया आपकी बिरादरी अगर एक मंच